बायोलॉजी, चैप्टर आपका 5 है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन हेरिडिटी चैप्टर चल रहे हैं। टॉपिक 1 है, पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 आपका है। टॉपिक 1, स्ट्रक्चर ऑफ इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस। आपका एक संरचना बना के बताया जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है क्या? सबसे पहले हमको ये जानना है कि वर्णांधता क्या है। वर्णांधता एक ऐसा रोग है जो लाल तथा हरे रंग का विभेद नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णांधता डिजीज कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं आपके हॉर्नर नामक वैज्ञानिक, 1876 में 1876 ईस्वी में इन्होंने वर्णांधता के बारे में खोज किया, अपना मत प्रतिपादन किया, पता लगाया कि व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का कैसे जो है पहचानने में समस्या होती है। इसे इस दोष को प्रोटीन दोष कहते हैं, अर्थात जो लाल तथा हरे रंग का विभेद नहीं कर पा रहा है उसे कौन सा रोग कहेंगे, प्रोटीन दोष कहते हैं। ये देखा गया कि काली प्रजातियों में 4% ये रोग पाया गया, गोरी प्रजातियों में 8% ये रोग पाया गया, तथा स्त्रियों में ये 0.5% ये रोग मिला। इस प्रकार से ये जो है कलर ब्लाइंडनेस के डिजीज होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम चल रहे हैं एक नॉर्मल फीमेल, मतलब एक सामान्य स्त्री है, और एक कलर ब्लाइंड मेल, एक वर्णांध पुरुष है। दोनों का विवाह होता है और दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो हम देखते हैं जो ये पेरेंट है फिनोटाइप जीनोटाइप के लक्षण। इसमें प्रथम पीढ़ी में या कौन जनरेशन में देखा एक्स, जिसे लिंग गुण सूत्र कहते हैं, कलर ब्लाइंड मेल से एक मैंने क्रॉस कराने पर लाया यक्स सी आया। यक्स सी क्या है, सी बराबर कलर ब्लाइंड वर्णांध। तो देखा कि कैरियर डाटर उत्पन्न, फिर दूसरे वाले क्रॉस में कराने पर कैरियर डाटर बने, फिर यहां पर मेल वाले में फीमेल से लाके क्रॉस कराने पर एक्स वाई आया, नॉर्मल सन हुआ, फिर नॉर्मल सन प्राप्त हुआ। इस तरीके से आप पिछले हफ्ते में पढ़े होंगे, बताया गया था कि उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। सेक्स डिटरमिनेशन में लिंग निर्धारण में 50-50% रिजल्ट आया था, 50% पुत्र प्राप्त हुए थे और 50% पुत्रियां प्राप्त हुई। इस तरीके से इसमें F1 जनरेशन में 50% कैरियर डाटा उत्पन्न हुए और 50% नॉर्मल सन उत्पन्न हुए, जबकि ये देखना था F1 जनरेशन में कि जब नॉर्मल स्त्री थी और कलर ब्लाइंड मेल था तो पिता से पुत्र में जाना चाहिए था लक्षण और माता से पुत्री में जाना चाहिए था, लेकिन यहां विपरीत प्रक्रिया हो रही है। यहां माता से जो है लक्षण जो प्राप्त हुए ये पिता से लक्षण आके प्राप्त हुए, अर्थात पिता का जो यक्ष लिंगुर सूत्र था उसका लक्षण डाटर में आया, इसलिए यहां कैरियर डाटर उत्पन्न हो गए, वाहक पुत्री उत्पन्न हो गई, कैरियर डाटर में स्वाहक पुत्री। फिर आगे चल करके ये कैरियर डाटर और नॉर्मल सन
मैच्योर होने पर दोनों के बीच जब मैरिज कराया गया, विवाह कराया गया, एक कैरियर डॉटर और एक नॉर्मल सन के बीच, बाद में क्रॉस कराने पर एफ टू जनरेशन में देखा गया कि नॉर्मल डॉटर, यहां से नॉर्मल डॉटर, फिर देखा कैरियर डॉटर, फिर नॉर्मल सन और कलर ब्लाइंडनेस। इस तरीके से एफ टू जनरेशन में ये प्राप्त हुए। तो देखा आपने, इसमें देखा कि नॉर्मल डॉटर और कैरियर डॉटर कुछ परसेंट में सामान्य पुत्री और वाहक पुत्री और कुछ सामान्य पुत्री, ये सामान्य पुत्री है, ये वाहक पुत्री, ये सामान्य पुत्र है और ये वाहक, कलर ब्लाइंडनेस प्राप्त है। इस तरीके से इसमें ये लक्षण आपके पाए गए। और आगे अब हम ये देखते हैं इसमें कि ये रोग सभी मानव प्रजातियों में पाए जाते हैं। एक वैज्ञानिक है आपके विल्सन नामक वैज्ञानिक 1911 में इस रोग का अप्रभावी जीन मनुष्य के यक्ष गुणसूत्र पर, मनुष्य के यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। यौम इसका एलील यौम विकल्पी वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र पर ये अनुपस्थित होता है। 1956 में कीटस 1983 में ये अपना शोध कार्य प्रस्तुत किए और बताया दो जीन प्रोटीन या ड्यूटेन वर्णांधता को नियंत्रित करते हैं, वर्णांधता को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित, इसलिए वर्णांधता को प्रोटीन दोष कहते हैं। एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री से इस प्रकार जो संतानें उत्पन्न हुई वो 50-50% इसका रिजल्ट आया। और ये भी हमें ध्यान देना है कि जो 50% पुत्रियों में ये लक्षण पाए गए, जैसे यहां 50% पुत्रियों में ये लक्षण पाए गए और 50% जो है पुत्रों में यहां पर ये लक्षण दिखाई दिए। इस प्रकार से आपने देखा कि सभी पुत्रियों में 50% पुत्रों में वर्णांधता का जीन जाएगा और वर्णांध होने के अतिरिक्त 50% पुत्रियों में जाएगा। ये लक्षण इन दोनों लिंग गुणसूत्र में उपस्थित लक्षण के अप्रभावी जीन होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब सामान्य स्त्री और कलर ब्लाइंडनेस से क्रॉस कराने पर 50% पुत्र सामान्य और 50% पुत्रियां वाहक के रूप में प्राप्त हुई। थैंक यू।